हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक का तलाक हो चुका है। 4 साल में हार्दिक पांड्या और नताशा ने 3 बार शादी की, उसके बाद भी नहीं चल सका रिलेशन। और फाइनली दोनों लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि हाँ, हमारा दोनों का तलाक हो गया है, अब हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। हार्दिक पांड्या अपने लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी खबरें आई हैं जो हार्दिक पांड्या के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कप्तानी भी आनी थी, वो भी चली गई, और हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा, वो भी छोड़कर चली गई। हार्दिक पांड्या ने बोला कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि हाँ, मैं दोनों लोग साथ में रहूं, लेकिन फाइनली हम दोनों ने मिलकर डिसीजन ये लिया कि हाँ, हम दोनों का अब अलग ही रहना बेटर है हमारे लाइफ के लिए और हमारे बच्चे अगस्त्या पांड्या के लिए। इस वीडियो में बात करूंगा कि हार्दिक पांड्या के लाइफ स्टाइल के बारे में, कैसे उनका प्यार शुरू हुआ और कब तक चला, और कैसे ये प्यार मात्र 4 साल में ही सिमट कर रह गया और दोनों लोग अपने लाइफ से अलग अलग हो गए। हार्दिक पांड्या एक भारतीय खिलाड़ी हैं, नताशा स्टैनकोविक एक सर्बिया की मॉडल हैं। दोनों लोग अनभिज्ञ हैं। हार्दिक पांड्या मॉडल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नताशा स्टैनकोविक क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, क्योंकि सर्बिया में ज़्यादा क्रिकेट खेला भी नहीं जाता है। बात उन दोनों की है जब हार्दिक पांड्या मुंबई में एक नाइट क्लब में रात में बैठे हुए थे, एक हैट लगाकर, हाथ में घड़ी पहने हुए, एक मोटी सी चैन, सामने बैठी थी नताशा स्टैनकोविक जो कि एक सर्बियन मॉडल थी। दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और बात वहीं से शुरू हो जाती है। हार्दिक पांड्या ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि हाँ, बात शुरू होने से पहले जब हम पहली बार मिले थे नताशा से, नताशा को ये नहीं पता था कि मैं एक प्रोफेशनल इंडियन क्रिकेटर हूँ, और हार्दिक पांड्या को भी ये नहीं पता था कि हाँ, हमारे सामने बैठी हुई गर्ल एक सर्बियन मॉडल है। वहीं से बात शुरू होती है। मुंबई के एक क्लब से धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और रिलेशन आगे बढ़ने लगता है। हार्दिक पांड्या नताशा दोनों साथ घूमते हैं, टहलते हैं, लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं, लोग शक करते हैं कि हाँ, ये कैसे फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं या ओपन फ्रेंड हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। सन 2019 में आया लॉकडाउन, उसके बाद अचानक सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की एक पोस्ट आती है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है आनन फानन में। रीज़न दिखाया लॉकडाउन का, लॉकडाउन वो ऐसी शादी थी कि ना उसमें कोई नातेदार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड्स, कोई नहीं था। अचानक आनंद फानंद में हार्दिक पांड्या ने शादी कर ली सन 2019 में। और उसके बाद मीडिया की रिपोर्ट्स आती है कि हाँ, हार्दिक पांड्या की पत्नी शादी के 6 महीने पहले से ही वो प्रेग्नेंट है। यही कारण था जिसमें हार्दिक पांड्या और नताशा ने आनंद फानंद में शादी की। उसके बाद 1 साल बाद सन 2020 में हार्दिक पांड्या और नताशा ने कोर्ट के माध्यम से दूसरी शादी की। शादी के तुरंत बाद ही अगस्त्या पांड्या का जन्म हुआ, जो कि हार्दिक पांड्या और नताशा पांड्या के इकलौते लड़के हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद सन 2023 में हार्दिक पांड्या और नताशा ने 3री बार शादी की। नताशा स्टैनकोविक ने क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी की, हार्दिक पांड्या भारतीय रीति रिवाज के साथ 3री बार सन 2023 में शादी की। सोचिए, 4 साल के अंदर 3री बार शादी हुई। यहाँ तक तो सब चीज ठीक चल रहा था। उसके बाद सन 2023 में गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, गुजरात टाइटंस के लिए भैया IPL का खिताब जीत कर दिया। उसके बाद सन 2024 में अनीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को लॉलीपॉप दिखाया कि आप गुजरात टाइटंस को छोड़कर चले आइए, मैं आपको मुंबई इंडियंस की कप्तानी दूंगी। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर चले आए, और वहीं से जैसे गुजरात टाइटंस छोड़ा, वहीं से हार्दिक पांड्या के लाइफ में मुसीबतें बढ़ने लगी। IPL शुरू हुआ, पहला मैच था गुजरात टाइटंस के साथ, जिसके साथ हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, छोड़कर आए थे। ग्राउंड में बूइंग हुई, बू बू करके लोग चिल्ला रहे थे, छपरी कहकर चिल्ला रहे थे। हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी, गिल्टी फील हुआ। पूरा IPL का सीजन खराब गया और मुंबई टीम पूरी बिखरी हुई थी। IPL के दौरान ही नताशा स्टैनकोविक पांड्या ने अपने नाम के पीछे से पांड्या हटा लिया। अब वहाँ से भाई रिपोर्ट आने लगी कि हाँ, क्या दोनों के बीच में तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलचाल बंद हो गई थी, मीडिया पीछे पड़ गई नताशा के, मीडिया पीछे पड़ गई हार्दिक पांड्या से, किधर की तरफ से। ना नताशा एक भी IPL मैच देखने के लिए आई, ना कोई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर पड़ी, और नाम के पीछे से ही पांड्या हटा लिया। तो ये सभी लोग कयास लगा रहे थे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बाद में जैसा लगा कि हाँ, शायद दोनों लोग एक हैं। वहाँ तक तो चलिए ठीक है, मैटर था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर हार्दिक पांड्या का नाम ही नहीं आ रहा था। उसके बाद फाइनली T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का नाम अनाउंसमेंट हुआ, और T20 वर्ल्ड कप के हीरो निकल कर हार्दिक पांड्या आए भी थे। जब 30 ओवर में 30 रन बनाना रह गया था साउथ अफ्रीका को, तो हेनरी क्लासन का विकेट लिया था हार्दिक पांड्या ने। अगर हार्दिक पांड्या ने हेनरी क्लासन का विकेट ना लिया होता, तो वो मैच लास्ट ओवर तक जाता ही ना, हेनरी क्लासन उसको 17 ओवर में मैच खत्म कर देते। लास्ट ओवर भी फेंकने के लिए आए थे, मिलर को आउट किया था। अब वो कमेंट्री मुझे भी याद है, शानदार भाई जतिन सप्रू की, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है अपने करियर का सबसे इम्पोर्टेंट कैच, और वो बॉलर थे हार्दिक पांड्या।
भाई उस फाइनल मैच के कई हीरो हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला था और सूर्य कुमार यादव ने लास्ट में कैच पकड़ा था, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, सब ने अच्छा बेस्ट किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ अब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हार्दिक पांड्या नताशा अब एक हो जाए। T20 इंडिया तो जीत गए, रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास ले लिए, अब भाई बारी आती है कि हाँ T20 का कप्तान कौन होगा। तो श्रीलंका दौरे के पहले खबर आती है सूर्य कुमार यादव को भारत का परमानेंट T20 का कप्तान बना दिया गया है। अभी भाई वो कप्तान थे हार्दिक पांड्या, कप्तान नहीं बनाया गया, उसके बाद वो कप्तानी से भी हटा दिया गया, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, पता नहीं कौन सा रीजन है, जो कि T20 वर्ल्ड कप में अंडर 15 में नहीं थे। ऋषभ पंत ऑप्शन थे, बेस्ट ऑप्शन थे T20 में वो कप्तान बनाने के लिए, वनडे टेस्ट में KL राहुल बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन नहीं, शुभमन गिल को T20 ODI सब में वो कप्तान बना दिया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी छोड़ो वो कप्तानी से भी हटा दिया गया। उसके बाद कुछ देर बाद हार्दिक पांड्या के पोस्ट आती है कि हाँ हम और नताशा ऑफिशियली रूप से दोनों लोग अलग हो गए हैं। वो लाइन क्या लिखी हुई है चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों के पेज पर एक ही पोस्ट मिली। हार्दिक पांड्या ने अपने पोस्ट में लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने अपने सहमत से अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक साथ पूरी कोशिश की और हमारा मानना है कि यह फैसला हम दोनों के हित में है। यह हमारे लिए एक मुश्किल फैसला था क्योंकि हमने एक साथ जो खुशी, आपसी सम्मान और साथ बिताए हैं, समय, आनंद लिया है। हमने एक परिवार के रूप में बढ़ने का प्रयास किया। हम अगस्ता के साथ धन्य हैं जो हमारी दोनों की जिंदगी में अहम हिस्सा बनकर रहेगा और उसे हर संभव खुशी देने के लिए मिलकर ख्याल रखेंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कठिन और संवेदनशील समय में हमें निजता देने में हमारा समर्थ और समझ बनाए रखेंगे। ये लाइन लिखी, ये पोस्ट आई थी हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम से। फाइनली 18 जुलाई को हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक दोनों लोग अलग हो गए। दोस्तों मैंने अपने लाइफ में कई क्रिकेटर को देखा है कि हाँ जो इनका डिवोर्स हुआ हो। दिनेश कार्तिक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, उनकी वाइफ विजय कार्तिक क्रिकेटर से शादी कर ली थी दिनेश कार्तिक को छोड़कर। बाद में दिनेश कार्तिक ने स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल के साथ शादी किया था। मोहम्मद शमी देख रहे हैं जिस तरह से उनका भी मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, लेकिन जितना लंबा मैटर खींचा था मोहम्मद शमी का ये तो ठीक है, इनका मैटर शांति के साथ सुलझ गया। मैंने बिल गेट्स को देखा है, जेफ बेजोस को देखा है, बहुत बड़ी हस्तियों को देखा है, पैसा, वेल्थ, संपत्ति सब चीज़ रहता है, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं कभी पा पाते जो वो चीज़ सोचते हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या शायद किसी इंडियन से शादी किए होते तो हाँ वो हार्दिक पांड्या के प्रतिभा को, हार्दिक पांड्या को खेल को, हार्दिक पांड्या के टैलेंट को देख कर शायद वो छोड़ कर ना जाती। बाकी हार्दिक पांड्या ने पूरा मनाने का प्रयास किया। बाकी आज के समय में हार्दिक अलग हैं, नताशा अलग हैं, दोनों का तलाक हो गया है। बाकी आपकी क्या राय है आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। अब मेरा इंस्टाग्राम पेज है पंकज गांव वाला, जिसको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, आप भी जाकर फॉलो कर सकते हैं।